स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में दूसरा वनडे मुकाबला ट्रिनिडेड में ही खेला गया और इस मुकाबले में डकवर्थ लुईस मेथड के जरिए टीम इंडिया को 59 रनों से बड़ी जीत हासिल हुई। इससे पहले दोस्तों, दोनों ही टीमों के बीच में 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के चलते धुल गया और अब इस समय टीम इंडिया जो है वो इस सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में खेले जाने वाले तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले के बारे में, जहां पर दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मुकाबले के लिए डेट, टाइमिंग, वेन्यू, प्लेइंग 11 और इस मैच को लेकर मौसम की जानकारी के बारे में। तो दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और क्रिकेट की इनसाइड और आउटसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें DNA न्यूज चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि जो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला खेला जाना है वो खेला जाएगा 14 अगस्त को ट्रिनिडेड में। और दोस्तों, क्वीन पार्क ओवल के मैदान में ये मैच जो है वो खेला जाएगा। और बात करें टाइमिंग की, तो दोस्तों आपको बता दें कि ये मैच जो है वो शाम को 7 बजे से शुरू नहीं होगा। जी हाँ, बाकी मैचों की तरह ये मैच जो है वो शाम को 7 बजे से शुरू नहीं होगा। दोस्तों, इसका कारण क्या है ये हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे, तो आप वीडियो को एंड तक पूरा देखते रहिएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस इंपॉर्टेंट मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि विराट कोहली जो है वो इस मैच में ज्यादा बदलाव नहीं करेंगे और लगभग 1-2 बदलाव यहाँ पर हमें इस मैच में दिखते हुए नजर आ सकते हैं। जहां पर दोस्तों बात करें पहले बदलाव की, तो दोस्तों पहला बदलाव विराट कोहली करेंगे नंबर 6 पर, यानी कि केदार जाधव की जगह पर मनीष पांडे को मौका मिलने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि दोस्तों BCCI के अनुसार वो अब यंग प्लेयर्स को मौका देना चाहती है। और क्योंकि पहला वनडे बारिश में धुल गया था और इसी वजह से दूसरे ODI में मनीष पांडे को मौका नहीं मिला और अब तीसरे ODI में विराट कोहली जो है वो मनीष पांडे को मौका देते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके बाद टेस्ट सीरीज होने वाली है और इस टेस्ट सीरीज के लिए मनीष पांडे को टीम में स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों, इसी वजह से ये आखिरी ODI होने के कारण ही यहां पर मनीष पांडे को टीम में मौका मिल सकता है केदार जाधव की जगह। इसके बाद दोस्तों बात करें दूसरे बदलाव के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि दूसरे बदलाव यहाँ पर विराट कोहली जो है वो करने वाले हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में। जी हाँ, आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज के साथ होने वाली टेस्ट मैच सीरीज के लिए मोहम्मद शमी को स्क्वाड में शामिल किया गया है, तो इसी वजह से विराट कोहली जो है वो मोहम्मद शमी को इस तीसरे वनडे मैच में रेस्ट देकर के युवा फास्ट बॉलर नवदीप सैनी को मौका दे सकते हैं, यानी कि नवदीप सैनी का इस आखिरी वनडे मुकाबले में डेब्यू होते हुए हमें दिख सकता है। और दोस्तों आपको बता दें कि नवदीप सैनी जो है वो IPL में विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से खेलते हैं और इसी वजह से वो विराट कोहली के फेवरेट बॉलर भी हैं। साथ ही साथ विराट कोहली ने इंटरनेशनल T20s में उनका डेब्यू भी कराया, तो इसी वजह से यहां पर इस तीसरे ODI में नवदीप सैनी का डेब्यू होना एकदम पक्का लग रहा है और काफी ज्यादा चांसेस यहां पर नवदीप सैनी के बढ़ गए हैं इस तीसरे ODI में। तो दोस्तों, ये दो बदलाव हमें जो है वो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में देखने को मिल सकते हैं। तो इन बदलावों के बाद बात करते हैं प्लेइंग 11 की, तो दोस्तों प्लेइंग 11 जो है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, मनीष पांडे, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, खलील अहमद और नवदीप सैनी। तो दोस्तों, कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 हमें देखने को मिल सकती है इस आखिरी वनडे मुकाबले में। दोस्तों, आप भी इस प्लेइंग 11 पर कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, अब बात करते हैं और अब आपको बताते हैं कि ये तीसरा और आखिरी मुकाबला जो है वो 7 बजे शुरू क्यों नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है मौसम। दोस्तों, 14 अगस्त को ट्रिनिडेड में काफी तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जहां पर वेस्ट इंडीज के ट्रिनिडेड के वेदर फोरकास्ट रिपोर्ट के मुताबिक 14 अगस्त को सुबह से ही तेज बारिश होने की संभावना है। और दोस्तों, ये संभावना लगभग 50% है। और दोस्तों, अगर मैच में बारिश होती है तो निश्चित तौर पर मैच जो है वो देरी से शुरू होगा और 7 बजे शुरू ना होकर थोड़ी लेट शुरू होगा और हो सकता है दोस्तों कि मैच जो है वो बारिश के चलते रद्द भी हो जाए।
दोस्तों आपको बता दें कि ये बारिश जो है वो काफी ज्यादा बताई जा रही है, जहां पर 2 से 3 घंटे लगातार ये बारिश हो सकती है। तो ऐसे में मैच जो है वो 2020 ओवर्स का भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों एक क्रिकेट फैन होने के नाते मैं तो चाहूंगा कि बारिश ना हो, लेकिन दोस्तों जिस तरह की वेदर फोरकास्ट रिपोर्ट आ रही है उसको देखते हुए तो यहाँ पर बारिश की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और दोस्तों हो सकता है कि ये बारिश पूरे मैच को भी धो डाले, और अगर दोस्तों ऐसा होता है तो टीम इंडिया जो है वो 1-0 से इस सीरीज़ को जीत जाएगी। और वेस्ट इंडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बुरी खबर ये निकल कर आ रही है, क्योंकि दोस्तों उनके पास ये आखिरी मौका होगा इस मैच को जीत करके सीरीज़ को बराबर करने का। खैर दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी दी गई ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो फटाफट आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और क्रिकेट की इनसाइड और आउटसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें डीएनए न्यूज चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।